इस चैप्टर में अपन जूम करने के बारे में देखेंगे। इसको जूम करने का एक आसान तरीका यह है कि जूम बटन पे अपन क्लिक करें और जितना एरिया अपने को जूम करना है उसको ऐसा ड्रैग करके ले लें तो जो भी रेक्टेंगल के अंदर आएगा वो हिस्सा जूम हो जाएगा। या फिर अपन अपने कर्सर को घुमाएं आगे पीछे, आगे करेंगे तो बड़ा होएगा, पीछे करेंगे तो जूम आउट होएगा। इसके अलावा इसको मैं 100 पे सेट करता हूँ। ये 100 पे सेट हो गया बराबर। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, सॉरी 100 पे नहीं हुए, 50% पे हुआ फॉर एग्जांपल, 25, 50। देखो कर्सर घुमा रहा हूँ ना मैं तो ये डबल होते जा रहा है। या फिर मैं एक क्लिक मारा 100, 200, यहाँ देखो। और इसी का मुझे उल्टा करना है ना, तो या तो कर्सर में उल्टा घुमाऊँगा 100, 50%, या फिर शिफ्ट दबा के माउस क्लिक करूँगा तो भी वो आधा होते जाएगा। आई बात समझ में? इसके अलावा अगर मैं F4 पे क्लिक करूँगा तो पूरा, देखो F4 पे क्लिक किया मैं तो जो भी रहेगा पेज के अंदर मेरे सारे चीज़ों को वो जूम कर देगा। इसके अलावा F3 दबाऊँगा तो जूम आउट होते जाएगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने बराबर, यहाँ पे एक कॉपी बना लेता हूँ मैं इसकी, कॉपी पेस्ट बराबर। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट दबा के F2 दबाया तो जो सेलेक्ट करूँगा मैं खाली वही जूम होएगा बराबर, और F4 करूँगा तो दोनों के दोनों जूम हो जाएंगे, F3 करूँगा तो दोनों जूम आउट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं शिफ्ट दबा के F4 पे क्लिक करूँगा तो पूरे पेज को जूम कर देगा वो। इसके बाद अपन नेविगेटर देखेंगे। नेविगेटर से मुराद एक फॉर एग्जांपल मैंने इसको जूम किया बराबर, इस तरीके से मैंने इसको जूम किया। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो जब प्लस की साइन बन रही है मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा देखो ये जूम पेन बन गया, ये मुझे दिखा रहा है। जहाँ ले जाके छोड़ूंगा मैं खाली वो हिस्सा मुझे दिखाएगा वो बराबर। एक तो ये तरीका है जूम पेन में जाने का, दूसरा क्या है एन दबा दो तो ये वहीं पे अपने को दिखाएगा जहाँ अपने को जाना है। फॉर एग्जांपल ये तो बहुत छोटा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ और एन दबाता हूँ। अब देखो आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके अलावा अगर मुझे यहाँ वहाँ इसको मूव करना है तो मैं कर्सर को क्लिक करूँगा, कर्सर तो पता है ना दो बटन के बीच की जगह माउस के अंदर, तो ये पेन बन जाएगा। या फिर डायरेक्ट मुझे लेफ़्ट की से इसको मूव करना है तो मैं एच का बटन दबाऊँगा तो मेरी लेफ़्ट की पेन बन जाएगी और मैं इसको मूव कर सकता हूँ। कोरल के डिफरेंट व्यूज़ देखेंगे अपन। जैसे ही अपन कोरल की फ़ाइल ओपन करते हैं तो असल में ये एनहेंस्ड व्यू में होती है। अगर इसको चेंज करना है तो व्यू में जाऊंगा मैं। एक होता है सिंपल वायर फ्रेम, जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं अपने 1, 2 और ये 1, 2, 3, तो सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्ट्स दिखाएगा इसके अंदर बराबर। इसके अलावा एक होता है वायर फ्रेम व्यू, तो इस तरीके से दिखा रहा है ये, यानी कि जो बेसिक ऑब्जेक्ट है प्लस वो जो रन किए हैं वो भी दिखा रहा है। उसके अलावा ड्राफ्ट मोड है, ये अपना नॉर्मल मोड है ये, और ये जो अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं एनहेंस मोड। इसके अंदर फ़र्क आएगा जब मैं नॉर्मल में देखूँगा, ये देखो नॉर्मल में और एनहेंस में फ़र्क है बराबर। और एक आखिरी है पिक्सल मोड, इसमें अभी अपने को कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दिया बराबर से, लेकिन ये बहुत ही बारीक तौर पर दिखाता है पिक्चर पे। देखो मैं इसे जूम कर रहा हूँ इसको, ये देखो इसको बोलते हैं पिक्चर पिक्सल मोड, यानी कि इसके एक एक पिक्सल दिखा रही है बराबर, ग्रिड बन के आ रही है। असल में जो इमेज बनती है वो छोटे छोटे बॉक्सेस से बनती है, पिक्सल उसी को कहा जाता है। तो यहाँ जाके फेड हो जा रही है। अब इसको जूम आउट करूँगा मैं तो पिक्सल मुझे इतने दिखाई नहीं देते बराबर। तो ये सारे व्यू थे और ज़्यादातर अपन एनहेंस मोड में ही काम करते हैं। इसके अंदर पिक टूल के बारे में देखेंगे अपन। ये है पिक टूल, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ
तो इधर मैं क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो गया, इधर क्लिक किया तो ये भी सेलेक्ट हो गया। असल में ये तो भरा हुआ ऑब्जेक्ट है लेकिन ये फिल इसमें नहीं है, फिर भी ये बीच में क्लिक करने पर सेलेक्ट हो जा रहा है। और देखो यहाँ से मैं इसको भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ से इसको भी और यहाँ से इसको भी। तो किसी किसी को ये जमता नहीं है, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल जे शॉर्टकट है उसका, टूल बार में जाने का, इस तरह का टूल बार ओपन होएगा, उसके अंदर फिर वर्क स्पेस में जाओ, फिर यहाँ से टूल बॉक्स में जाओ, फिर यहाँ पर आपको पिक टूल पे क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड, इसको ऑफ कर दो और ओके करो। अब देखो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ये लाइन पे क्लिक करूँगा तभी सेलेक्ट होएगा ये, और इसको मैं कहीं भी सेलेक्ट करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा बराबर। इसके अलावा वापस मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो क्रॉस हेयर कर्सर, इसको ओके करके मैं ओके करूँ तो जिस तरह ऑटो कैड वगैरह में अपना ये बन के आता है कर्सर का, वो उसी तरीके से हो जाएगा। इससे क्या होता है, इसको मूव करने में आसानी होती है बराबर। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से उठाया एज से, मिडल एज से, और यहाँ लाके इसके मिड पे रख दिया। तो किसी को जमता है ये, किसी को नहीं जमता है, तो अपने अपने हिसाब से लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। वापस टूल मेन्यू में जाने का एक और तरीका है, यहाँ पर टूल पे जाओ, कस्टमाइजेशन में जाओ, यहाँ पर टूल बॉक्स पे क्लिक करो, पिक टूल, यहाँ से क्रॉस हेयर मिटाओ, ओके। तो ये नॉर्मल मोड में अपना आ गया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में देख रहे हैं अपन इसके अंदर, ये दो तीन ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ इस तरीके से बराबर। अब किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैं पिक टूल पर जाऊंगा, उस पर क्लिक कर दूंगा बराबर। इसको भी अगर सेलेक्ट करना है मुझे तो मैं शिफ्ट की दबाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, ये दोनों भी सेलेक्ट हो गए। शिफ्ट की दबा के अगर इसको क्लिक किया तो ये तीनों भी सेलेक्ट हो गए बराबर। इसके अलावा लेफ्ट में क्लिक करके मैं ऐसा ड्रैग करूँगा तो ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल आ रहा है, जो जो ऑब्जेक्ट पूरे के पूरे इसके अंदर आएंगे खाली वो सेलेक्ट होंगे बराबर। ये देखो ये दोनों हुए, क्यों, क्योंकि जब मैंने ऐसे किया तो दो ही चीज़ पूरी की पूरी अंदर आ रही है। डिसलेक्ट करने के लिए वाइट जगह पे अपन क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट करने का एक तरीका है, कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा के पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, स्केप दबा दोगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। इसके अलावा ये दिख रहा है, ये इसके अंदर तीन स्क्वायर और है मेरे, लेकिन जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो खाली ऊपर का हो रहा है। दिखाता हूँ, मैं व्यू में जाओ, सिंपल वायर फ्रेम में जाओ, वो एक दो तीन है इसके अंदर स्क्वायर अपने। अब यहाँ पे मैं करूँगा तो हो जाएगा सिलेक्ट, ये देखो इसको सिलेक्ट किया, हो गया इसको सिलेक्ट किया, लेकिन जब मैं एनहेंस मोड में आ रहा हूँ तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ कहीं पे भी तो हो रहा नहीं है। अच्छा मैं ड्रैग करूँगा तो हो जाएगा वो, ये देखो इस तरीके से मैं ड्रैग किया तो ये सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है कि मैं अल्ट दबाऊँ और बीच में क्लिक करूँ तो जिसको जिसको क्लिक करूँगा वो सेलेक्ट हो जाएगा बराबर, अंदर वाला भी। इसके अलावा इसको मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया इसको किया, शिफ्ट दबाया इसको किया, शिफ्ट दबा के इसको भी किया। अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो फिर शिफ्ट दबा के मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा ये भी हट जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा ये भी हट जाएगा, खाली ये बच गया बराबर। इसके अलावा एक और तरीका है सेलेक्ट करने का, इस पर क्लिक करो, टैब दबाओ, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करते जाएगा ये बराबर। वापस बैक आना है, शिफ्ट दबा के टैब दबाओ तो बैकवर्ड पोजीशन में वो मूव होएगा। इस चैप्टर में अपन मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल इन सब को मुझे एक साथ मूव करना है तो मैं इन सब को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, और फिर मैं जब किधर भी किसी फिल कलर वाले पे आऊँगा ना तो वहाँ मुझे चार एरो का मार्क दिखाई देगा बराबर, उसको मैं क्लिक करके इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं अनफिल एरिया में आऊँगा तो ये एरो बन जा रहा है, तो जब ये एरो बने तो अपने को क्लिक नहीं करना है वरना ये डीसेलेक्ट हो जाएगा।
अनफिल एरिया में जब आप बनाएंगे ना, तो ऐसा क्रॉस मार्क दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके उसको हमेशा मूव करना, बराबर। उसके अलावा एक ये चीज़ है अपने पास, इसको मूव करके मैं यहाँ पर लाया। अब इसके अंदर देखो, जब मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो दिखा रहा है इसके अंदर कई और रेक्टेंगल्स हैं, बराबर। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से, या फिर अल्ट दबा के सेलेक्ट करूँगा मैं, तो वो मुझे दिखाई देंगे, बराबर। तो इस बात का ख्याल रखना। तो अगर मुझे ये अंदर वाला मूव करना है कोई, फॉर एग्जांपल, अब मैं डायरेक्ट अगर सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर का सिलेक्ट होगा, और अल्ट दबाऊँगा तो अंदर के भी सिलेक्ट होंगे। अब अगर मैं इस पर क्लिक करके मूव करूँगा ना, तो खाली ऊपर का मूव हो रहा है, बराबर। लेकिन वापस अल्ट दबा के सेलेक्ट करो, फिर ये एरो को पकड़ेंगे ना अपन, तो नीचे वाला मूव होएगा। अब ये देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं नज वैल्यू, नज डिस्टेंस, बराबर। ये अपना कब काम आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं राइट एरो दबा रहा हूँ, तो ये राइट में ना एक एक इंच मूव होते जा रहा है। अप एरो दबाऊंगा तो अप में एक एक इंच मूव होते जा रहा है, बराबर। अब मैं इसको कंट्रोल जी मार देता हूँ, बराबर। अब मैं नज वैल्यू बढ़ा देता हूँ, इसको कितना कर देता हूँ मैं, 10 इंच कर देता हूँ, सॉरी, मैं इसको 2 इंच कर देता हूँ, बराबर। अब मैं इसको सेलेक्ट किया, अब राइट एरो दबाया, क्या हुआ, सीधा 2 इंच मूव हो रहा है वो। वापस दबाया, 2 इंच, 4 इंच हो गए, फिर 6 इंच, बराबर। कंट्रोल जेड मारा मैंने, 6 इंच इधर किधर पे आ रहा है अपना, बराबर। अब अगर मैं शिफ्ट दबा के राइट मारूंगा ना, तो सेट अपन ने किए 2, लेकिन ये जाएगा 4। देखो, 4 4 8, एक ही बार में वो कहाँ चला गया। इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाऊँ, तो वो 2 सेट किया अपन ने, एक जाएगा 1 इंच, बराबर। अब दबाऊँगा तो ऊपर की तरफ 1 इंच। आई बात समझ में? इसके अलावा अगर मैं ये एरो पे डबल क्लिक मारूँगा, तो ये मेरा ओपन होता है। मैं नज को अपनी तरफ से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, सुपर नज, यानी जब मैं अपन शिफ्ट दबा के राइट एरो दबाते हैं, जब वो डबल होता है, अपने को डबल से ज़्यादा चाहिए, तो अपन उसको 4 गुना 10 गुना जो भी कर सकते हैं। सेम माइक्रो नज में, जब अपन कंट्रोल दबा के दबाते हैं एरो उस वक्त का। इसके अलावा एक और मैं आपको कॉन्स्टेंट दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये 2 चीज़ अपन सेलेक्ट की है, इसको मैंने मूव कर दिया यहाँ पर, बराबर। आप देखो, जब मैं इसको मूव करके यहाँ पर लाऊँगा ना यहाँ से, तो कैसा आड़ा टेढ़ा मूव हो रहा है ये। लेकिन अब मुझे एक ही डायरेक्शन में लाने का है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाना है, तो मैं कंट्रोल दबाऊँगा, फिर इसको क्लिक करूँगा। देखो, ये एकदम वर्टिकली ये मूव हो रहा है, बराबर। अप डाउन करूँगा तो भी एकदम अप डाउन में भी वैसे ही होगा ये। ये देखो, आई बात समझ में? कंट्रोल दबाएंगे तो आप एकदम स्ट्रेट इसको मूव कर सकते हैं।